विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके भेद आज हम समझेंगे। यहाँ देखो, मैंने एक चित्र बनाया है। इस चित्र का निरीक्षण करना है हमें और उसी के आधारित हम विशेषण किसे कहते हैं वह समझेंगे। अब यहाँ देखो, मैंने लिखा है यह सुंदर चित्र है। यह जो चित्र है वह कैसा है? सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। फिर देखो, कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, छोटे बड़े पेड़ हैं। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, ऊंचे पेड़ों पर सुंदर फल लगे हैं। फिर क्या है? नदी में बहुत सा पानी, यहाँ नदी है, देखो नदी में बहुत सा पानी है। पानी में रंग बिरंगी मछलियां हैं, तो देखो यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियां हैं। पानी में रंग बिरंगी मछलियां हैं। नदी के पानी में कमल के तीन फूल हैं, तीन फूल कमल के, एक दो और तीन, कमल के तीन फूल पानी में हैं। फिर क्या है? और ये फूल कैसे हैं? नदी में पानी के पानी में तीन फूल हैं और वे भी सुंदर फूल हैं। दो नौका में से एक नौका किनारे पर खड़ी है। क्या कहा गया है यहाँ पर? दो नौका है, उसमें से एक नौका किनारे पर खड़ी है। सफेद बकरी हरी घास खा रही है, सफेद बकरी हरी घास खा रही है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। ग्वाला, देखो ये लड़का ग्वाला है और ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। मित्रों, ये सारे वाक्य हमने देखे। अब इस वाक्य पर हमें समझना है कि आसमान में बादल तो है, मगर ये बादल कैसे हैं? तो काले काले बादल हैं। आसमान में बादल हैं, बादल काले काले हैं, बराबर। बकरी घास तो खा रही है, कैसी बकरी घास खा रही है? तो सफेद बकरी घास खा रही है। और घास कैसी है? तो हरी घास है, बराबर। लाठी है तो लाठी कैसी है? लंबी लाठी है। मछलियां तो है, मगर मछलियां कैसी हैं? रंग बिरंगी मछलियां हैं। मित्रों, इस प्रकार लाठी, बादल, मछलियां, बकरी, कमल, पेड़, फल, ये सारे जो शब्द हैं वे शब्द किसी न किसी व्यक्ति वस्तु का हमें परिचय कराता है। यानी कि ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं और जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताते हैं। ये सारे शब्द काले काले, मैंने देखी काले कौशल बनाया है, सुंदर, काले काले, बड़े छोटे बड़े, ऊंचे, है ना, रंग बिरंगी, सुंदर, तीन, बहुत सा, एक, लंबी, सफेद, हरी, ये सारे शब्द जो मैंने कौशल में लिखे हैं ना, वे सारे शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये जो शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। मित्रों, विशेषण यानी कि व्यक्ति जो होता है, वस्तु या व्यक्ति, वह एक जैसे नहीं है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो तो व्यक्ति लंबा, नाटा, सुंदर, काला, गोरा, अच्छा या बुरा होता है। उसी प्रकार वस्तु में वस्तु भी अच्छी या फिर बुरी है ना, लंबी, इस प्रकार वस्तु में भी ऐसा होता है। तो ये सारे शब्द हैं वे वस्तु के गुण दर्शाते हैं, बराबर। तो ये जो संज्ञा शब्द है, पानी, आसमान, बादल, चित्र है ना, फूल, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। ये जो मेरे कौष्ठक में बताए ये सारे शब्द, यानी
अत्यंत ये सारे शब्द जो हैं वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो परिभाषा क्या है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। समझ में आया मित्रों? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एक बार यहाँ बादल तो है, पर बादल कैसे हैं? काले। तो काले शब्द जो है वह संज्ञा की विशेषता। संज्ञा क्या है? कौन है? तो बादल। बादल की विशेषता बताते हैं, इसलिए काले काले शब्द विशेषण है। पेड़ है तो कैसे है? लंबे। बराबर, ये पेड़ है कैसे हैं? छोटे। ये बड़े पेड़ हैं, ये छोटे पेड़ हैं, तो बड़े छोटे ये भी उसकी विशेषता है। पेड़ों पर फल है, गट कैसे कैसे फल हैं? सुंदर फल हैं, तो ये भी उसकी विशेषता है। तो समझ में आ गया, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करते हो उन्हें विशेषण कहते हैं। मित्रों, हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द की कोई ना कोई विशेषता होती ही। अब हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के भेद चार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो है उसमें देखो, हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति, कई व्यक्ति हमने देखे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति काला हो, कोई गोरा होता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, तो कोई व्यक्ति बदसूरत होता है, यानी कि असुंदर होता है, जो हमें पसंद नहीं आता। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खाते पीते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कैसा होता है? ठंडा होता है। नहाने के लिए जो पानी हम गर्म करते हैं वो पानी कैसा होता है? तो गर्म होता है। मिर्ची तो तीखी होती है ना। फिर इमली खट्टी होती है। ये जो स्वाद है, संज्ञा का स्वाद, इमली जो है वो संज्ञा है, इमली खट्टी ही होती है ना। तो इमली शब्द का जो संज्ञा शब्द है इमली, उसका गुण है कि वह खट्टा, उसका स्वाद खट्टा है। मिर्ची का स्वाद तीखा ही होता है। मिर्ची अगर हम खाते हैं तो उसमें से मीठा स्वाद नहीं आता है ना, उसका स्वाद हमेशा तीखा ही होता है, यानी कि यह उसका गुण है। लड़का काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है। कोई लड़का लंबा होता है तो कोई लड़का नाटा होता है, नाटा यानी छोटा सा। इस प्रकार कोई लड़का लंबा है तो कोई लड़का नाटा छोटा है ना, उम्र होती है उसकी लेकिन कद छोटा है, नाटा होता है। तो ये सारे जो शब्द है ये मैंने लिखा है, लड़का काला है ना, काला लड़का, मोटा आदमी, गरीब लड़का, खट्टा आम, आम खट्टा होता है और मीठा भी होता है, ठंडा आइसक्रीम, भारतीय व्यक्ति, जवान लड़की, यानी कि यहाँ ये सारे शब्द लिखे हैं वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ये सारे शब्द काला, मोटा, गरीब, खट्टा, ठंडा, भारतीय, जवान, ये सारे शब्द हैं वह शब्द संज्ञा की विशेषता सूचित करते हैं। ये सारे शब्द, ये जो शब्द रेखांकित शब्द है वह ये सारे संज्ञाओं की विशेषता सूचित करता है, यानी कि गुण दर्शाता है। और जो शब्द संज्ञा के गुण दर्शाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ये सारे शब्द हैं संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषता बताते हैं ये सारे शब्द, इसलिए ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। मित्रों, गुणवाचक जो है उनमें कौन कौन से शब्द होते हैं, किस प्रकार के शब्द आते हैं,
की किसी न किसी तरह से विशेषता बताते हैं, तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। यहाँ देखो हमने कहा है रंग रूप आकार प्रकार दशा अवस्था स्वाद गंध स्थिति, ये सारे शब्द संज्ञा की किसी न किसी तरह से विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता सूचित करते हैं, तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। बराबर, यहाँ ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण है। भारतीय व्यक्ति, तो व्यक्ति का भारतीय होना यह भी उसका गुण है। लड़की जवान है तो लड़की जवान हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है ना, उसमें बचपना हो सकता है, तो ये सारे उसकी विशेषता है, गुण है उसकी। लड़की जवान है ना, आदमी बूढ़ा है, तो यह उसकी विशेषता है, तो इसे कहते हैं गुणवाचक। अब यहाँ देखो दूसरा प्रकार देखे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्या, संख्या शब्द में पता चल जाता है, यहाँ गुण शब्द से पता चलता है कि इसमें व्यक्ति के गुण दर्शाए जाते हैं, जबकि यहाँ संख्या में देखेंगे संख्यावाचक विशेषण है ना, जो संख्या सूचित करता है। संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है संख्या। संख्या व्यंग्यप्रम आता है कि इसमें संख्या ही होगी, तो यहाँ देखो संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं। संख्या यानी गिनती, जिसे गिना जा सके है ना, हम गिनते हैं, अगर कोई हमें बताए कि भी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी गिन सकते हैं, हमें बताए कि 10 विद्यार्थी हैं, तो संख्या बताता है। यहाँ देखो इसके दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब यहाँ जो संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है, तो संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्द को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने उदाहरण बताया कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी, तो 10 वह विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की विशेषता है कि 10 विद्यार्थी हैं। बराबर, तो 10 जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। इसके दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित यानी कि तय संख्या तय है, हमें पता है ना कि 10, 5, 20 संख्या तय है, इसमें कोई अनिश्चित बात नहीं है, निश्चित ही है कि हमें पता ही है इतनी ही संख्या है निश्चित। तो 1, 2, 5, 20 है ना, जहाँ तक आप गिन सकते हो सारी संख्या है। तो उदाहरण में लिखा है कि पेड़ पर दो बंदर है, पेड़ पर दो बंदर है, कितने बंदर हैं, दो। तो दो शब्द जो है दो, वह बंदर की विशेषता बताते हैं कि पेड़ पर सिर्फ दो बंदर हैं, पेड़ पर 5 बगुले बैठे हैं, पेड़ पर 10 तोते बैठे हैं, 10, 5, 2 ये जो है ना उसकी संख्या बताते हैं, संज्ञा की संख्या। और जो शब्द संज्ञा की संख्या दर्शाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ संख्या तय है इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसे कहते हैं, जबकि यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। पेड़ पर कई पत्ते हैं, कई सारे पत्ते है ना, ऐसे तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इतने सारे पत्ते कैसे गिने, इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ कई सारे, कई अनगिनत है ना, अनगिनत पत्ते होते हैं, हम अगर गिनने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कई शब्द। पेड़ पर कई सारे पत्ते हैं, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के हमने अंदाजित बता दिया बिना गिने, ऐसे ही कि मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कुछ शब्द अनिश्चित संख्या दर्शाता है। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लड़के जो मैदान में खेल रहे हैं उसकी संख्या अनिश्चित है, कितने लड़के खेल रहे हैं पता नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आज अनुपस्थित है, कक्षा में नहीं आए, अनुपस्थित है यानी गैर हाजिर है ना, कुछ अनिश्चित संख्या दर्शाता है। तो जो शब्द संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध करवाए
उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां देखो, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप, मात्रा कहते हैं, नाप कहते हैं उसे, परिमाण यानी नापना, है ना, मात्रा कितनी मात्रा में है, नाप तो बराबर, परिमाण यानी नाप तो कहते हैं उसे। अब परिमाणवाचक विशेषण, तो इसके भी दो भेद हैं। पहले मैं उदाहरण बताओ कि माँ ने राजेश को बाजार से 5 लीटर तेल लाने के लिए कहा, 5 लीटर तेल लाने के लिए कहा, है ना, माँ ने राजेश को क्या कहा, 5 लीटर तेल लाने के लिए कहा। तो यहाँ इस वाक्य में 5 लीटर, 5 जो है वह संख्या है, परंतु उसके पीछे जो शब्द का प्रयोग हुआ है लीटर, तो वह मात्रा है, नाप तोल की मात्रा, कितने लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, यहाँ देखो मैंने नाप का चित्र बनाया है, बराबर, जो चीजें नापी जाती हैं और तोली जाती हैं, यह मापिका है ना, 5 लीटर कपड़ा, मीनाक्षी को फ्रॉक बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर, तो इस पट्टी से जो कपड़ा है ना वह नापा जाता है, इससे तोला जाता है, और इससे जो चीजें प्रवाही पदार्थ हैं इससे नापी जाती हैं, बराबर, तो जो चीजें नापी जाती हैं तोली जाती हैं, ये सारी चीजों के आगे किलो, ग्राम, मीटर, लीटर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जो लीटर, मीटर शब्द है वे परिमाण, बराबर, तो जो शब्द संज्ञा की मात्रा सूचित करता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण जो है उसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो हम यहाँ सीख चुके हैं। परंतु यहाँ संख्या है, यहाँ मात्रा है, निश्चित यानी कि जो परिमाण है, मात्रा है, वह निश्चित है, तय है कि जो मात्रा, जो भी मात्रा दर्शाई गई हो उसमें कोई संशय नहीं है, यानी कि मात्रा निश्चित है। जैसे कि 2 किलो चावल, दो चावल कितने हैं, 2 किलो, आधा लीटर, आधा, अब आधा जो है वह किसे कहते हैं हम जानते हैं, है ना, गणित में अभ्यास करते हैं हम, इसलिए पता है कि आधा किसे कहते हैं, 500 ग्राम, आधा यानी 500 ग्राम, लीटर में है तो 500 ग्राम, बराबर, आधा लीटर दूध, तो यहाँ जो दूध है उसकी मात्रा है आधा लीटर, चावल है उसकी मात्रा है 2 किलो, तो ये 2 किलो, आधा लीटर जो शब्द है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, बराबर, इसमें 2 किलो, 5 मीटर, आधा ग्राम, ये सारे शब्द शामिल हैं। अब यहाँ देखो अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित यानी कि मात्रा निश्चित नहीं है, माने कहा चाय में थोड़ा दूध डाल दो, चाय में क्या डालने के लिए कहा, थोड़ा दूध, अब उसकी कोई मात्रा है कि माने कितना दूध डालने के लिए कहा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, हमें नहीं पता क्योंकि मात्रा नहीं है, माने क्या कहा, चाय में थोड़ा दूध डालो, थोड़ा डालो बस, कितना डालो तो थोड़ा, बराबर, तो जो थोड़ा शब्द है वह अनिश्चित मात्रा दर्शाता है, थोड़ा पानी, ज्यादा नमक डालो, बराबर, तो ये जो अनिश्चित शब्द जो दर्शाता है संज्ञा की अनिश्चित मात्रा, जिस शब्द से निश्चित हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा की मात्रा अनिश्चित हो उसे हम निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। उदाहरण है, थोड़ा पानी पिया,
मैंने कितना पानी पिया, थोड़ा पानी, अब थोड़ा तो अनिश्चित मात्रा है, पानी की मात्रा कैसी है, अनिश्चित। तो यह जो थोड़ा शब्द है वह अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। यहाँ देखो, ज्यादा नमक डालो, अब सब्जी में, दाल में, है ना, किसी में भी नमक डालना है तो क्या कहते हैं, ज्यादा डालो, नमक ज्यादा डालो। तो ज्यादा शब्द जो है वह नमक की मात्रा दर्शाता है, इसलिए ज्यादा शब्द जो है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अंतिम प्रकार देखें, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, बराबर। तो उदाहरण को हम देखें कि यह घर सुंदर है, मेरा घर दूर है, यह मेरी किताब है। अब इसमें समझने के लिए पहले हमें संज्ञा खोजनी पड़ेगी। तो सुन, घर शब्द जो यहाँ संज्ञा है, यहाँ घर शब्द संज्ञा है और यहाँ किताब शब्द संज्ञा है। तो घर जो शब्द है उसके आगे आया है यह, बराबर। तो घर की विशेषता बताते हैं कि यह घर सुंदर है, कोई दूसरा नहीं, यह घर सुंदर है, बस यही घर, इसी घर के बारे में बात करें, यह घर सुंदर है। तो यह शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, यह शब्द, बराबर, यह शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण माना जाता है, क्योंकि जो शब्द घर है, संज्ञा शब्द, उसके आगे यह शब्द है, बराबर। नीचे भी देखो, मेरा घर दूर है, मेरा घर कहाँ है, दूर है। तो घर शब्द जो है वह संज्ञा है, परंतु मेरा, मेरा जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरी किताब है, अब यहाँ देखो, यह शब्द भी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ मेरा, यहाँ मेरी, बराबर। तो यहाँ कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा, यह तो हमें बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। किताब शब्द जो यहाँ पढ़ रहा देखा हमें, संज्ञा के आगे वाला शब्द, यहाँ पर भी देखो, संज्ञा के आगे वाला शब्द वह सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर भी देखो, यह मेरी किताब है। तो इस वाक्य में यह सार्वनामिक विशेषण हो सकता है तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो किताब के आगे है मेरी, तो मेरी शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरी किताब, यह मेरी किताब, मेरी शब्द पर जोर आता है, यह मेरी किताब है। तो जो शब्द बराबर, फिर से ध्यान दो, जो शब्द संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताता है, तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण, बराबर। फिर से ध्यान दें कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता सूचित करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मित्रों, विशेषण के भेद हमने जान लिए कि कौन कौन से भेद हैं, बराबर, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये चारों विशेषण के भेद हैं। अब आप ये सारे विशेषण जो है अच्छी तरह से समझें, बराबर, परीक्षा में पूछे जाते हैं, छठवीं कक्षा में जो है वह वाक्य में विशेषण खोजना उन्हें पूछा जाता है, कि अगर कोई वाक्य है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में से आपको विशेषण छांटना है, तो आप क्या करेंगे, तो काला शब्द आप रेखांकित कर दीजिए, इस तरह परीक्षा में पूछा जाता है। जबकि सातवीं कक्षा में प्रकार के साथ आपको विशेषण पूछे जाते हैं, जैसे कि गरीब लड़का घर आया, गरीब लड़का घर आया, तो इस वाक्य में आप संज्ञा छांटिए, सॉरी विशेषण छांटिए और उसका प्रकार बताइए। तो हम विशेषण छांटेंगे गरीब, बराबर, और उसका भेद है गुणवाचक विशेषण, इस प्रकार हमें परीक्षा में पूछा जाए। इसीलिए आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और ये सारे विशेषण के भेद हैं वे आप अपनी
कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और सभी जो प्रकार है उसके पांच पांच उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। इन सभी की परिभाषा भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। पहले विशेषण की परिभाषा लिखे, बाद में उसके भेद लिखे और सभी जो भेद है उसके पांच पांच उदाहरण लिखिए। जय महाराज।